पार्ट फोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 10 बेनिफिट्स ऑफ स्पिरुलिना, 10 चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है चलने वालों की। इस स्लाइड को आप समझिए कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही है, आपकी जो जो इच्छाएं होगी शायद वो कही जा रही है एक 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 पॉइंट पे। एक बार रन डाउन कर लेते हैं। एक समझते हैं कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये पहला वाला एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, जो मैंने आपको टेराबेरी के समय बताया था। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी मैंने आपको कर्क्यूमिन में बताया था। तो बहुत कम पदार्थ होंगे ये जो दोनों करते हैं, और यही दोनों आपकी सारी बीमारी के जड़ है। या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, यही दो आपके उम्र बढ़ने का कारण है, आपके क्या बोलते हैं बीमारियों का कारण है, आपके इन्फ्लेमेशन का कारण है, आपके ब्यूटी कम होने का कारण है, वो सारा चीज ये कर। ग्रेट इम्यून सिस्टम बूस्टर है, बिकॉज इम्यूनिटी को ही आपको बूस्ट कर रहा है। आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे काम कर रहा है, हॉर्मोन सिस्टम पे काम कर रहा है। एलिमिनेट्स हेवी मेटल्स फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में आज की डेट में हम जब पेस्टिसाइड रेसिड्यू ले रहे हैं, केमिकल रेसिड्यू ले रहे हैं, अभी आम का सीजन आ रहा है, आप बहुत सारा आम भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम को जैसे पकाया गया, केले को जैसे पकाया गया, जो भी आप विषाक्त चीजें ले रहे हैं, तो हेवी मेटल्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं। जब आप नेक्स्ट स्कैन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपके सारे हैवी मेटल्स का पूरा प्रोफाइल आ जाता है कि कौन सी ज्यादा है। तो ये हैवी मेटल्स को फ्लश करता है, मतलब उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये एक बड़ी बात है, इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। हेल्प्स बैलेंस बॉडी का पीएच लेवल करता है, बिकॉज ये ग्रीन है, ये अल्कलाइजर है, ये अल्कलाइन है, तो ये क्या करता है, बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन का जो नापने का जो तरीका होता है पीएच, तो ये बॉडी के पीएच को मेंटेन रखता है, तो ये वो काम करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जिसको कहते हैं, जो आपका फूड पाइप से लेके आपके एनस तक जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, उसके स्वास्थ्य में ये बहुत अच्छा मदद करता है। और ये जो है एलर्जी और साइनस, यदि आपका मान लीजिए कि ये साइनसाइटिस है या नेजल कैविटी है, जिसको आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्ता दी जा रही है, क्योंकि COVID-19 ने एक ही चीज पकड़ा हुआ है, आपकी नेजल कैविटी और आपका लंग, यहीं से यहीं तक का पूरा कहानी है। तो ये जो नेजल कैविटी है, उसको यदि इम्प्रूव करना है, उसकी जो है इम्यूनिटी बढ़ानी है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका एलर्जी, उसका एलर्जी सबसे ज्यादा पैदा करता है, इशू करता है। तो एलर्जी और ये पूरा का पूरा सिस्टम को आप जो है स्पिरुलिना से ये कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये 10 बेनिफिट आपको समझ में आ चुकी है। अगर ये बेनिफिट आपको अच्छी लगी है तो अपने लोगों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, इससे आपको जल्दी से आपको वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नए पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।